सभी का SGD क्लासेस में स्वागत है एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे कि आपका जो 9th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस है जो 9th स्टैंडर्ड का आपका जो भी सिलेबस है जो रिड्यूस हुआ है मतलब आपका 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। खाली 9th स्टैंडर्ड का मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और 10th स्टैंडर्ड के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपको 9th स्टैंडर्ड में वो सारे के सारे सब्जेक्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो रहती है आपकी मराठी रहती है, ऑब्वियसली मराठी के बारे में फर्स्ट जान लेंगे कि कौन सा पार्ट जो आपका है जो रिड्यूस हुआ है। ओके तो चलो लर्न करते हैं मराठी लैंग्वेज। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, देखो यहाँ पे दिया है आपको शालेय वर्ष 2020-21 करता मूल्यमापन परीक्षेतून वगळण्यात आलेल्या पाठ्य घटकांची यादी, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा व संयुक्त भाषा मराठी इयत्ता नववी। तर हे नववीच्या इयत्तेचं ज्या काही म्हणजे भाषा आहेत, प्रथम भाषा देखील आहे मराठी, द्वितीय भाषा देखील आहे आणि संयुक्त भाषा देखील मराठी, हे विषयाच्या कॅटेगरी पडतात ज्या तुमच्या मीडियम्सनुसार, ओके, इंग्लिश सेमी इंग्लिश किंवा मराठी मीडियम किंवा उर्दू वगैरे मीडियमनुसार पडतात। तर प्रथम आपण कुमार भारती नवी प्रथम भाषा बघूया। याच्यामध्ये गद्य यंत्रांनी केले बंड पहिला, मातीची सावळी आणि आदर्शवादी मुळगावकर, ओके, हे तीन आणि हे तुमचे पुस्तकाचे पृष्ठ क्रमांक दिलेत ते तुम्ही नोट करायचे आणि व्यवस्थित बघून घ्यायचे। मी जेवढं चांगलं होईल तेवढं तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो। हे सगळं वगळण्यात आलेलं आहे, हे तुम्हाला करण्याची गरज नाही आहे या वर्षासाठी, फक्त 2020-21 पुढच्या वर्षी तुम्हाला करावं लागेल। नंतर स्थूलवाचन बघा तुम्ही, स्थूलवाचन तुम्हाला इथे दिसत असेल, स्थूलवाचनमध्ये बिग पाचच्या सहवासात, बिग पाचच्या सहवासात 66 आणि 77 पान नंबर, म्हणजे 66 आणि 70 जेवढी पानं आहेत त्या सर्व पानांना वगळण्यात आलेले। अक्षर भारती नववी द्वितीय भाषा, जी अक्षर भारती म्हणून ओळखली जाते, जी वेगळ्या मीडियमसाठी असेल। गद्य याच्यामध्ये दिव्याच्या शोधामागचे दिवे पहिलं आहे 23 आणि 25 पान नंबर, 23 ते 25। नंतर कुळूप दुसरं आहे आणि नंतर आभाळातल्या पाऊलवाटा, म्हणजे त्यांचे 7, 10 आणि 11 असे तुम्हाला त्यांचे धड्यांचे नावं आहेत। तर हे तिन्हीच्या तिन्ही वगळण्यात आलेले, पेज नंबर इथे मी त्यांना हायलाईट करतो तुम्हाला दाखव। नंतर स्थूलवाचन काजीरंगा हे वगळण्यात आलेले 15 ते 17 पान क्रमांक। तर हे झालं तुमचं अक्षर भारती नववी द्वितीय भाषा, ज्यांची कोणाची असेल त्यांच्यासाठी। त्याच्यानंतर पुढे जाऊया आपण, आंतर भारती नववी संयुक्त भाषा, ही म्हणजे तिसरी भाषा झाली याचा अर्थ। तर याच्यामध्ये बघा जे कोणी असतील आंतर भारती नववी संयुक्त भाषा, अजिंठ्याची सळ, नंतर जडणघडण आणि लेझिम, हे कविता आहे 15 ते 16, 30 ते 33 आणि 34 ते 35 पान नंबर, आणि हे वगळण्यात आलेलं आहे। चला पुढे जाऊया आपण, दहावीचं जे मी आहे म्हणजे 10th स्टँडर्डचं ते नंतर डिस्कस करणार आहे, फक्त 9th स्टँडर्डचं याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळणार आहे। म्हणजे 10th देखील तुमच्या नजरे खाळून जाईल पण 10th आपण सध्या डिस्कस करत नाही आहे, तेवढं लक्षात घ्या। चला कक्षा नववी हिंदी कुमार भारती प्रथम भाषा, ज्यांची कोणाची असेल त्यांच्यासाठी, म्हणजे प्रथम भाषा देखील हिंदी आहे, ज्यांची राष्ट्रीय भाषा हिंदी म्हणून, म्हणजे त्यांची मातृभाषा देखील हिंदी, असे बरेच भाषिक असतात त्यांच्यासाठी। इकाई पाठ का नाम, इकाई म्हणजे पहिली इकाई, दुसरी इकाई, जसं बोलतो आपण बोलतो तसं, पहिली इकाई म्हणजे प्रथम सत्र परीक्षेला जे काही असते ते पहिली इकाई, आजच्या पडोस, पृष्ठ क्रमांक 9 ते 12, ओके, मतलब पेज नंबर जे इसका है 9 से 12। हास्य व्यंग निबंध, ये तुमचा पुरा निबंध, पुरा की पुरा कलांश अधिक लगता है, वेल जास्त लगतो। नंतर दूसरा है नदी आणि दरिया, नदी और दरिया, ये भी निकाल दिया आपका 23-24 म्हणजे 23-24 पान नंबर है। गजल है, गजल देखील काढलेली आहे आणि पुरी गजल काढून टाकली आहे, तुम्हाला करायची गरज नाही। नंतर 8 नंबर हिरणी पूरक पठन आहे, पूरक पठन चित्रात्मक कहाणी आहे ती, पुरी कहाणी भाषा बिंदू। तर हे तुमचं वगळणं, दुसरी इकाईमध्ये बघूया, दुसरी इकाईमध्ये काय, पहिली इकाई संपली दोन, प्रथम भाषा हिंदी ज्यांची आहे त्यांच्यासाठी। वसंत वर्षा काढण्यात आलेले 55-57 पान नंबर रवया, मतलब 55 और 57 पेज नंबर आहे, और ये मैं हिंदी में ही बताऊंगा ताकि ये आपका दुसरा इकाई, ओके। वसंत वर्ष निकाला, पूरी कविता की कविता, मतलब पूरी की पूरी कविता निकाल दिया, पढ़कर आकलन कर सकते हैं आप। निर्मल जिंदगी 4 मतलब 4 नंबर की पूरक पठन है, उसको निकाल दिया, ये भारूड में आता है, पूरा पाठ निकाल दिया है। सच का सौदा 12 नंबर, इसको निकाल दिया। तो ये आपका जो भी है ना, आपको अच्छी तरह से देख लेना है, इसके पेजेस को देख लेना है,
और ये जो आपको दिया है इंटरनल कंटेंट व्हाट इज रिड्यूस फ्रॉम द सिलेबस फॉर द ईयर 2020-2021, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो हिंदी हो गया आपका, दसवीं का मैं बाद में बताता हूँ, खाली मैं नवीं कक्षा का बता रहा हूँ। हिंदी लोक भारती, ये भी आपका मतलब लोक भारती, ये आपका संपूर्ण हिंदी लोक भारती हो कि इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसको भी रहेगा जिसके स्टैंडर्ड में वो देखना, पहली इकाई कबीर, ओके, आतोचना में आता है, इसको निकाल दिया है। वीर भूमि पर कुछ दिन, इसको निकाल दिया। पेजेस यहाँ पे आपको देखना है भाई, 8-11, 26-30, वरदान मांगूंगा नहीं, इसको निकाल दिया। और 32-33 गीत था ये आतोचना यात्रा वर्णन गीत, पूरा पाठ पूरी कविता निकाल दी, ये आपको निकाल दिया। दूसरी इकाई में चलते हैं हम लोग, दूसरी इकाई देख लेंगे हम लोग। दूसरी इकाई की बात करते हैं तो इसमें से आपका जो था सिंधु का जल, ये निकाल दिया, कविता यही पूरी की पूरी निकाली। 53-55 पेज नंबर तक था। शिष्टाचार निकाल दिया। अपराजय बोलेंगे, कहानी ये दोनों को निकाला। पूरा पाठ पूरी कविता, तो इतना पार्ट आपका रिड्यूस कर दिए, ये आपको याद रखना है। चलो हिंदी हो गया हमारा, नाइन्थ का ही बात करते, टेंथ का बाद में बात करेंगे हम लोग। नवी हिंदी लोकवाणी, ये अलग अलग मतलब मैंने बताया, अलग अलग जो मीडियम से उनको अलग अलग तरह के पोर्शन रहते हैं, वो सारे मीडियम के मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। हिंदी लोक भारती संयुक्त, तो इसमें आपका फर्स्ट आता है, पहली इकाई आती है मान जा मेरे मन, इसको 9-12 निबंध है, इसको निकाल दिया। जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार, नवगीत है, इसको निकाल दिया। दूसरी इकाई के बारे में बात करेंगे हम लोग। दूसरी इकाई में देख सकते हैं आप लोग, मैं बर्तन माचूंगा, कहानी है ये, पेज नंबर है उसका उम्मीद, इसको निकाल दिया, ये गजल है। सो पूरा पाठ पूरी कविता, ये आपको जो भी यहाँ पे दिया है ना, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूँ तो आपके दिमाग में आ जाएगा आपको क्या क्या नहीं करना है फॉर दिस ईयर, आपको ये साल के लिए क्या नहीं करना है, ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो ये पूरा पाठ निकाल दिया, ये था मेरा हिंदी का। दसवीं का हमें नहीं देखना है, दसवीं का मैं आपको बाद में बताता हूँ। इंग्लिश कुमार भारती के मैं बारे में बात करेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए था ये, मेरा यूनिट ये सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे अहमियत रखती है, यूनिट जो भी मेरे जितने भी यूनिट है वो सारे के सारे यूनिट मैं डिस्कस करता हूँ। सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, ये निकाल दिया 1.2। एक्टिविटी 3 थी वो निकाली है, पेज नंबर 5 पे सेल्फ स्टडी। 1.3 निकाल दिया यहाँ पे, हैव यू एवर सीन, आपने कभी मतलब ऐसा देखा है क्या। एक्टिविटी 4 थी, 14 पेज नंबर पे सेल्फ स्टडी निकाल दी। हैव यू थॉट अबाउट द वर्ब हैव, आपने इसके बारे में सोचा है, ऑल निकाल दिया पूरा के पूरा, 15 मतलब पेज नंबर 15 है वो निकाल दिया। चलो आगे बढ़ते, 1.5 का द नेकलेस पार्ट सेकेंड, 1.5 निकाला। ये एक्टिविटी नंबर 3 निकाली है, पेज नंबर 2। एवरी मतलब ये जो भी चीज़ें हैं ना आपको यहाँ पे हाईलाइटन की मैंने, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ के लेनी है, तो आपको मतलब क्या रिड्यूस किया है वो समझ में आ जाएगा। चलो ये मैंने आपसे डिस्कस किया। सेकेंड यूनिट पे चलते हैं हम लोग, इसमें सेकेंड यूनिट पे आप देख सकते हैं क्या क्या निकाला है सेकेंड यूनिट। तो यहाँ पे इनविक्टस फर्स्ट 2.1 का ये फर्स्ट है, मतलब एक्टिविटी दी है ये 27 मतलब ये पेज पे आपके, ए ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स, ए ट्रू स्टोरी ऑफ 2.1-2.2, इसका भी एक्टिविटी 1 है, 30 पेज पे आएगा। 2.4 का द फॉल ऑफ द ट्रॉय, ओके, फर्स्ट एक्टिविटी है, 39 पेज पे, ग्रुप वर्क है, होम असाइनमेंट है। देन अवतम बोल के एक था, 7th एक्टिविटी है, 51 पेज नंबर पे सेल्फ स्टडी है, 2.5। 2.6 है द पास्ट इन द प्रेजेंट, ऑल निकाल दिया, इसको पूरा निकाल दिया 52 पे। तो ये था सेकेंड मेरा, मैंने आपके बाद सेकेंड यूनिट की बात की, थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। चलो थर्ड यूनिट में क्या निकाला है देख लेते। हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन, मतलब पहला जो अक्षर है किस तरह लिखा जा सकता है, ओके, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क है एक्चुअली। सो 1-3 एक्टिविटी, 78 पेज नंबर सेल्फ स्टडी, निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये मेरा इंग्लिश कुमार भारती, इंग्लिश मीडियम के लिए यूनिट नंबर 1,
ये मैंने आपको बताया, अभी अभी सब बताए शायद, बट दिस इज़ डिफरेंट दैन दैट। क्यों डिफरेंट है ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ये क्यों डिफरेंट है। तो इसके पीछे के रीजन्स मैं आपको बताता हूँ। ये एक्टिविटी 1.2 सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, एक्टिविटी नंबर 3A5, ये सेल्फ स्टडी है, आपको देखना है अभी कि ये एक्टिविटी नंबर 4 है, ये भी देखना है 14 पेज नंबर पे, 1.3, 1.4, 1.5। ओके द नेकलेस पार्ट सेकेंड थर्ड एक्टिविटी ऑल निकाला, 25 पेज नंबर देख लो। इनविक्टस फर्स्ट एक्टिविटी, देन द एस्ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल फर्स्ट एक्टिविटी 30, 27। तो इतना निकाल दिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी आपका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिवाइज हो गया तो अच्छी बात है, आपको देख लेना है। ट्रू फॉल्स स्टोरी औतम, देन द 1, 1 एंड 7, 39, द पास्ट इन द प्रेजेंट ऑल 52, देन हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटर्न 1, 2, 3, 78 पेज नंबर, देन प्लीज लिसन, ओके 1, 8, 9, 10 एक्टिविटी, 80 एंड 83 सेल्फ स्टडी, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टोरी टेलर 7, 8, 92 सेल्फ स्टडी, यूज ऑफ इंटरनेट, इंटेलेक्चुअल रबिश ऑल निकाल दिया 93, एंड माई फिनांशियल और माई फाइनेंशियल करियर 5th एक्टिविटी 104 पेज नंबर। तो इतना जो है आपको निकाल दिया, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 1 आपको बताए यहाँ पे इंग्लिश, ओके कुमार भारती, रिडक्शन प्लान ऑफ सिलेबस, आपको जो जो रिडक्ट किया है यहाँ पे वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको पेज नंबर और एक्टिविटी नंबर दे के यहाँ पे समझाए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे हो कि ये उसके पीछे का रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो यहाँ पे, सेकेंड मेरे पास एक्टिविटी उसकी पेजेस आपको यहाँ पे दे दी है, एंड दैट्स वाई ऑल दिस थिंग्स, ओके यू हैव टू जस्ट चेक ऑल द पेज नंबर एंड देन द एक्टिविटीज़, ओके एक्टिविटीज़ है ये जो बड़े लिख रहे हो पेज नंबर, इतने बड़े एक्टिविटीज़ नहीं रहते, एक्टिविटीज़ के नंबर हमेशा छोटे रहते हैं। तो ये कॉमन थिंग है, वी कैन अंडरस्टूड दैट ऑल थिंग एक्टिविटी नंबर जो छोटे हैं, दिस आर द पेजेस नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कन्फर्म दिए, कन्फर्म मतलब एवरी थिंग इज़ गिवन इन डिटेल। सो ये आपके पेज नंबर, ये साइड की एक्टिविटीज़ एक बार अच्छी तरह से देख लो, ताकि आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है वो पूरा निकल जाए। आपको देखना है एक्टिविटी एंड पेज नंबर एकदम करेक्ट दिया है, सब जो आपको करना है नहीं करना है एवरीथिंग इज़ गिवन इन वेरी एक्यूरेट मैनर। सो प्लीज़ चेक आउट ऑल दिस थिंग्स, यू हैव टू चेक, ओके आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, एक्टिविटी नंबर है, पेज नंबर एक बार अच्छी तरह से देख लो, एंड आगे बढ़ते हम लोग। इंग्लिश कुमार भारती, स्टैंडर्ड एक्स नहीं डिस्कस करना है मुझे, 9th ही आपको डिस्कस करके बताना है, 9th का होने के बाद हम लोग माई इंग्लिश कोर्स बुक, ये भी आपका एकेडमिक पे मतलब जिसको भी रहेगा, दिस बुक इज़ देयर फॉर स्टडी, जिसको भी रहेगा, जिस भी मीडियम को रहेगा, एग्जैक्टली आई डोंट नो अबाउट योर इंग्लिश सब्जेक्ट बट स्टिल जिसको भी रहेगा वो देखना, हेलेन केलर एंड एन ए सुविलन, ओके सुलिवन, ओके प्रोज है 37 पेज नंबर 41, 37 to 41, ये पूरा टेक्स्ट एंटायर प्रोज निकाला, एंड इंग्लिश वर्कशॉप पूरा मार्क ट्वेन प्रोज है पूरा पूरा के पूरा निकाला, इंग्लिश वर्कशॉप निकाल दिया इसको, ओके आपको याद रखना है मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, माय इंग्लिश कोर्स बुक के लिए बोल रहा हूँ, ओके तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर दिया है, देन दिस इज़ योर पेजेस नंबर, पेजेस नंबर दिए यहाँ पे, खाली पेजेस नंबर दिया और कुछ नहीं दिया। उसके बाद टू ए बटरफ्लाई पोएम थी निकाल दी, 77 to 79 है, ये पूरा निकाला, ओके इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 ये पूरा निकाल दिया, ओके इंग्लिश वर्कशॉप निकाला, सिल्वर एक पोएम है वो निकाली, 104, 105 है, द एंटायर इंग्लिश वर्कशॉप निकाल दिया, द पोएम एंड एंटायर मतलब पूरा के पूरा निकाला। उसके बाद में नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे द टेम्पेस्ट ये प्रोज था एक, उसको निकाल दिया, पूरा के पूरा निकाल दिया, यहाँ पे देख लो आप क्लियरली द एंटायर इज रिमूव्ड, ओके पूरा के पूरा निकाल दिया, पेज नंबर भी आपको दिख रहे हैं। हमारा इंग्लिश कोर्स बुक 10 का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, 9th का मुझे खाली यहाँ पे डिस्कस करना है आपके साथ। सो अर्धाम गदि प्राकृत यत्तनवी संपूर्ण संयुक्त दुवे महापुरुषा, ये कुछ मुझे अलग ही लगता है, लेकिन आप देख लो ये जो भी है, अर्धाम गदि प्राकृत नवी संपूर्ण, अर्धाम गदि प्राकृत नवी संयुक्त, यहाँ पे दुवे महापुरुष कम विवागो कैयगो मनुष्यो दया धम्मो दमयंती विलाओ दुवे महापुरुष धम्मस्य पहाओ
धुमा फुफिया। ओके, ये सब जो भी है ना, ये आप आपके पेजेस के नंबर्स दिए, जिसको भी रहेगा ये, सो बच्चे इसको देख ले एक बार। ओके, दिस आर द कंटेंट, दिस इज़ द कंटेंट विच इज़ रिमूव्ड ओके फ्रॉम दिस सिलेबस फॉर दिस ईयर एकेडमिक ईयर। यहाँ पे टेंथ का दिया है, टेंथ का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रेंच की ज़रूरत नहीं मुझे डिस्कस करने की, फ्रेंच लैंग्वेज जिसकी है वो खुद देख ले। आपको ये अगर चाहिए मतलब इसका कुछ भी, इफ़ यू नीड द डिटेल ऑफ दिस, आप मेरे वेबसाइट को विजिट करो, जो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, और वहाँ पे आप एक बार देख लो कि तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपको वितरणाचे नकाशे, मतलब ये फर्स्ट है प्रकरण, यह आपका फर्स्ट लेसन है, मतलब मैप से रिलेटेड है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पेज है, और यहाँ पे कॉलम टू और वन टू कॉलम्स के नाम दिए, और यहाँ पे आपको डिटेल दिए हो कॉलम्स की डिटेल। ये आपको कॉलम्स देखने हैं अच्छी तरीके से। बाद में यहाँ पे पेज नंबर थ्री और पेज नंबर फाइव, मतलब ये जो लेसन है 1 to 5 पेज पे आता है, फर्स्ट सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम, ये आपको देखना है। अगर ये कॉलम देखते हो तो आपको ये कंटेंट आपके, मतलब दिस इज़ गिवन इन मराठी एंड यू हैव टू जस्ट मेक इट इन इंग्लिश, और यू हैव टू कंपेयर विद योर इंग्लिश कंटेंट। तो ये पेजेस और ये कॉलम को आपको याद में रखना है, और पेजेस को कंपेयर करना है आपके इंग्लिश वर्जन के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट जियोग्राफी, ओके, जियोग्राफी के बारे में बात करें। सेकेंड मेरा चैप्टर है अंतर्गत हलचली, ओके, मतलब इंटरनल मूवमेंट्स जिसको बोलते हैं मराठी में, मे बी आई थिंक करेक्ट वर्ड है इंटरनल मूवमेंट्स। तो यहाँ पे ना जो मुझे पेजेस, मतलब 16, 17 ये पेजेस नंबर है, और यहाँ पे कॉलम सेकेंड कॉलम है पूरा के पूरा कॉलम, तो इसको देखना है आपको। यही रिमूव किया, मतलब 16 और 17 पान नंबर है जिसके ऊपर जो भी था वो निकाल दिया। थर्ड की तरफ बढ़ते हम लोग, बाह्य प्रक्रिया भाग एक, मतलब एक्सटर्नल प्रोसेसेस रहते। सो पार्ट 1 पार्ट 2, इसका पेज नंबर 23, इसका 30, और फर्स्ट कॉलम ही निकाला है और कुछ नहीं निकाला, आपको दिखाई देगा। तो इसको कंपेयर करो बस, आपको सारा के सारा जो डेटा है आपका, मतलब आपको क्या एग्जैक्टली करना है पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा। ओके, ये चैप्टर्स के नंबर्स भी आपको याद रखने हैं। तो थर्ड फोर हो गया मेरा, आगे बढ़ते हम लोग। अभी इसके ऊपर जो फोर्थ में मैंने आपको बताया था 30, देखो फोर्थ के पेजेस देखो कहाँ तक जाते हैं आपके। चलो फोर्थ के पेजेस और उसके कॉलम के बारे में बात करते। देखो 31, 32, 33, 34, 35, ओके, यहाँ तक आ गए कॉलम 1, देन 2, 2, 2, 2, बाद में वापस 35, 1 एंड 2। तो इसमें जितना भी कंटेंट है आपका जो यहाँ पे दिया है आपको, इसको मैच करना है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम जरूर जाएगा, ज़रा डोके चलो, मीन्स यूज योर ब्रेन पावर। तशी हिमनदी वाता नदी सेल का, मतलब आपको अगर जो आइस रिवर बोलते हैं जिसको, तो अभी बैठे हुए कभी दिखाई देगा कि आपको ऐसे, मतलब पूछा गया आपको। ओके, तो ये पेजेस नंबर है, मैं थोड़ा सा इसको ये साइड में लेता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे। तो 36, 35, 36, 38, 38, और यहाँ पे आपके जो ना कॉलम्स दिए, कॉलम्स बहुत हैं भी, 2, 1, 2, then 2, 1 and 2। ओके, तो ये कॉलम्स देख लो, भारत व वन्य जीवन, मीन्स इंडिया एंड द वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड बोलेंगे नहीं तो वाइल्ड लाइफ ही बोलेंगे हम लोग, कौन से कारणामुळे त्यांचा आदिवासी भागात असेल। सो सम रीजन्स आर देर, सम इंटरनल पार्ट इज गिवन, यू हैव टू डू द स्टडी ऑफ दैट पार्ट, देन यू विल अंडरस्टूड व्हाट शुड बी रीजन बिहाइंड दिस। ओके, रुष्टि, ये फिफ्थ लेसन है आपका, 43 पेज नंबर, सेकेंड कॉलम, जरा विचार करा, मीन्स थोड़ा सा सोचो, और बाद में आप इसको रिजाइन, मतलब इसके पीछे का रीजन लिख दो, ऐसा मतलब उसका मतलब होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है और बतानी है। तो ये एक पार्ट आपको बताया यहाँ पे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हम लोग, थोड़ा सा ये हो गया रुष्टि, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसके पेजेस देख लो आप, 45 पेज नंबर, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ आपका कौन कौन सा, 45 का सेकेंड कॉलम, 46, 47 का सेकेंड और फर्स्ट कॉलम, देन 47 का फर्स्ट एंड 48 का सेकेंड। ओके, ये आपको निकाला फिफ्थ लेसन में, सो ये आपको देख लेना है। सिक्स लेसन है सागर जला चुकंदर, मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर, ऐसे बोलेंगे हम लोग इसको। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो ये 50 पेज नंबर 51, 53, अभी यहाँ पे मुझे कॉलम्स दिए 1, 2, 1, 2, और यहाँ पे सांगापाव, मीन्स बताओ ऐसा क्यों होता है सांगापाव। ओके, मीन्स यूज योर ब्रेन पावर, ऑब्जर्व एंड वॉइस, ओके, दिस ऑल पार्ट्स आर रिमूव्ड।
देन सेवेंथ लेसन है मेरा, हर एक लेसन में से थोड़ा थोड़ा पार्ट जो आपका रिडक्ट किया है, रिडक्ट ओके रिड्यूस किया है। अंतर्राष्ट्रीय वार रेशा मीन्स इंटरनेशनल टाइम जोन्स रहेंगे 57, 59 कॉलम 1, 2, 1। सिडनी आणि लंडन यातील वारांत का फरक पडला मीन्स व्हॉट इज रिझन बिहाइंड द डेज ऑफ सिडनी अँड लंडन ओके, वो सब क्वेश्चन आपको देख के पता चलेगा बराबर। और कॉलम देख लो एक बार, पेज नंबर देख लो, कॉलम देख लो एंड जस्ट चेक द क्वेश्चंस एंड कंपेयर दिस क्वेश्चंस विद योर इंग्लिश वर्जन ओके एंड देन यू हैव टू मैच दिस, आपको कर देना है। सेवेंथ हो गया मेरा, एट नाइन्थ ओके, एट एंड नाइन्थ की तरफ बढ़ते हम लोग, एट और नाइन्थ भी देख लेते एक बार। तो रीजंस क्या हम लोग को एक्चुअली पता करनी हो कि अर्थशास्त्र राज्य परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स देन ट्रेड व्यापार बोलेंगे 66 पेज नंबर 68, 70, 72, 73 एंड दिस आर दी कॉलम सेकेंड 1, 2, 1, 1, 2, 1 ओके कॉलम है। बरे पहा बरे जमते का, कैन यू डू दिस, पांच कलमी कार्यक्रम का मीन्स फाइव जिसके एस्पेक्ट रहेंगे ऐसा प्रोग्राम आपको यहाँ पे लिख देना, जो भी आपको ये कंपेयर करना है मैं पहले ही बताता हूँ। नागरीकरण ओके, सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो प्रोसेस है, तो उसके अंदर के 75, 76, 77, 77 1, 2 कॉलम, 2 फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, ये कॉलम्स के नंबर्स आपको याद रखने बिकॉज दिस ऑल नंबर्स विल हेल्प यू टू फाइंड विच कंटेंट इज रिड्यूस ओके फ्रॉम यूर दिस ईयर सिलेबस, आपके ये सिलेबस में से कौन सा कंटेंट निकाला है ये आपको पता चले। तो ये हो गया मेरा टेंथ, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग टेंथ में से, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने जो बताया नहीं, 78 का सेकेंड, 79 का फर्स्ट एंड सेकेंड, 79 का सेकेंड ओके, ज़रा विचार कर मीन्स थिंक, लेट्स थिंक ओके, ज़रा डोके यूज़ योर ब्रेन पावर, बड़े पास हमते कैन यू डू दिस लाइक दिस ओके, आप ये कर सकते हो क्या, ये आपको पॉसिबल है कि पूरा के पूरा जो पार्ट है, मैं आपको एक कॉमन थिंग यहाँ पे मुझे नोटिस हो रहा है, जो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे यहाँ पे ऑलमोस्ट निकाल दिए ओके। एंड इलेवंथ लेसन है मेरे पास यहाँ पे, इट इज़ वाहतुक और संदेश वन, वाहतुक मीन्स यू नो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इसको बोलेंगे। तो इसमें से 82 पेज नंबर है, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, नल मार्ग मीन्स जो भी आपका वाटर कनेक्शन रहता है उसके पाइप लाइन्स के बारे में यहाँ पे आपको जो पार्ट रिड्यूस किया वो बताएं। तो ये था नाइन्थ का जियोग्राफी, अभी हम लोग टेंथ का बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, मैं खाली नाइन्थ के बारे में बता रहा हूँ आपको। सो जियोग्राफी इज़ कम्प्लीटेड अबाउट नाइन्थ स्टैंडर्ड, टेंथ का बाद में देख लेना, नेक्स्ट ईयर के लिए अलग रहेगा आपका, खाली आपको नाइन्थ की ज़रूरत है। सो चलो जर्मन तो नहीं मैं डिस्कस कर सकता, जर्मन लैंग्वेज वाले देख ले एक बार नाइन्थ टेंथ की जर्मन जो भी है। चलो हिस्ट्री एंड सिविक्स की तरफ बढ़ते हैं, हिस्ट्री एंड सिविक्स में कौन कौन से पार्ट्स जो है आपके जिनको रिड्यूस किया है वो उन पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट विल चेक ओके, इतिहासाची साधने मीन्स ये बोलेंगे हम लोग जो भी हिस्ट्री के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जो भी मतलब मटेरियल्स रहते हैं जो यूजफुल रहते हैं उसमें से पेज नंबर 1, 2, 2, 3 एंड कॉलम 1, 1, 2, 2, 2 ओके और 4 पेज नंबर भी है यहाँ पे। माहित है का तुम्हारा, डिड यू नो दिस, लिखित साधने चौकट ये जो आपका है रिड्यूस किया है, ये आपको याद रखना है, ये पार्ट आपका रिड्यूस किया है, नहीं तो आप बोलोगे ये पार्ट जो है आपको कॉलम्स, सो इसको कंपेयर करो आपके इंग्लिश वर्जन के साथ। देन भारतापुढ़ अंतर्गत आह्वान है मीन्स द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया ओके अबाउट द इंटरनल सिस्टम ओके, पेज नंबर 10 कॉलम सेकेंड, ये आपको यहाँ पे रिमूव कर दिया है और ये लेसन का नाम है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो और अब देख लो एक बार। देन नेक्स्ट फोर्थ लेसन आर्थिक विकास मीन्स डेवलपमेंट ओके, डेवलपमेंट बोलेंगे हम लोग इसको मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो 18 पेज नंबर, 19 पेज नंबर, 20 पेज नंबर, सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम ओके, तो ये देखना है पंत प्रधान इंदिरा गांधी राष्ट्रीयकरण करने वाले ओके, जो भी था जो भी महात्मा ज्योतिराव फुले जी उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंस यहाँ पे वो सारे के सारे पॉइंट्स आप देखो, कॉलम कौन कौन से उनको यहाँ से हटा दिया गया है ये साल के स्टडी से, इनको आपको नहीं करने की ज़रूरत। नेक्स्ट शैक्षणिक वाटचाल मीन्स एजुकेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे उसको हम लोग, एजुकेशनल डेवलपमेंट। सो 23 पेज नंबर 23, 24, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड कॉलम, तो ये आपको जो क्वेश्चंस दिए उसके
ऑब्जर्वेशन से आपके दिमाग में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या रिड्यूस किया, इक्वेशंस और पेज नंबर देखते चलो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये फिफ्थ था मेरा, इसमें से और कुछ पेजेस यहाँ पे दिए, देख लो यहाँ पे जो भी दिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पेज नंबर मेरे पास है 25, 26, 26, 7, सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम, और ये क्वेश्चंस को मैच करते चलो आपके दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद में 27, 28, 29, ये भी आपके पेजेस है जिसके ऊपर के जो कॉलम्स है 27, 28, 29 फर्स्ट सेकेंड कॉलम, एंड चेक दिस क्वेश्चंस। ओके, महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण, मतलब यशवंतराव चव्हाण जो हमारे फर्स्ट सीएम थे महाराष्ट्र के, उनके बारे में जो भी लिखा रहेगा, उनकी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उसके बारे में दिया रहेगा। महिला व अन्य दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण मीन्स इम्पावरमेंट ऑफ फीमेल और द लेडीज एंड दोज हु आर दी पुअर, ओके पुअर पीपल। 31 पेज नंबर, 34 पेज नंबर फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, एंड दीज आर द क्वेश्चंस। यू हैव टू मैच ऑल दिस क्वेश्चंस विद योर कंटेंट एंड यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है कि कौन सा कंटेंट रिमूव किया है। 34 सेकेंड कॉलम, 35 फर्स्ट कॉलम विज्ञान मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 37 सेकेंड, 38 फर्स्ट, तो ये रिमूव किया आपके सिलेबस से। देन 38 का सेकेंड किया है, ओके कॉलम। सो 41 का फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम आपका यहाँ से रिड्यूस किया है। मेरा जो 8th लेसन है इसके बारे में आप देख लो एक बार, बराबर मैं दिखा रहा हूँ सब, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दो, और आप खुद के भी दिमाग का यहाँ पे इस्तेमाल करो। उद्योग और व्यापार मीन्स बिजनेस एंड ट्रेड, बदल जीवन मीन्स चेंज लाइफ चेंजेस, ओके चेंजेस इन लाइफ पार्ट वन पार्ट टू, 47, 43 एंड 52 सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, एंड दीज आर द क्वेश्चंस नागालैंड महाराष्ट्र की बोली भाषांची, ओके सो डिफरेंट लैंग्वेजेस आर यूज इन महाराष्ट्र, सो उनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगी। दिस पार्ट इज रेड्यूस, मतलब ये कम कर दिया है, आपको याद रखना है ये पार्ट आप नहीं करोगे एग्जाम के लिए तो चलेगा, आपको ये नहीं करना है, मतलब करने की ज़रूरत नहीं। चलो हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसको राज्यशास्त्र बोलते हैं हम लोग, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, ओके तो उसमें से फर्स्ट महायुद्धोत्तर राजकीय घड़ामणि, मतलब जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में जो भी रहेगा। सो 57 का सेकेंड, 58 का सेकेंड एंड सेकेंड कॉलम, और ये जो क्वेश्चंस दिए इनको आपको मैच करना है, ओके सो दिस इज रिड्यूस। देन 60 का जो है आपका 60 का फर्स्ट एंड सेकेंड, सो यू चेक महायुद्धाचे भारतावर कोणते परिणाम झाले, ओके महायुद्ध मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी रहेगा आपका, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ओके बिकॉज 1939 to 1945, ओके दिस इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई थिंक, और सेकेंड आपको ये चेक कर लेना है, ओके एंड देन यू हैव टू कंफर्म, आपको कंफर्म करना है कौन सा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बिकॉज मुझे नहीं पता है कौन सा है, मैंने नहीं रीड किया इसको, तो आप एक बार देख लो। उसके बाद में कॉलम्स के बारे में बात करते हैं, सेकेंड कॉलम मेरा जो पेज नंबर था इसका 60 का सेकेंड, तो ये क्वेश्चंस आपको सब डिटेल्स दे देंगे। 62 का मेरे पास सेकेंड कॉलम है, क्वेश्चन नंबर देख लेना वाई दिस, ओके दिस सेकेंड कॉलम, और ये क्वेश्चंस आपको मैच करने। एंड 63 का मेरे पास सेकेंड कॉलम है, ओके तो ये क्वेश्चंस आपको एक बार गौर से देख के, सही तरीके से देख के, आपके इंग्लिश जो भी कंटेंट है उसके साथ मैच करके कन्फर्म करना है कि कौन सा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, ओके सो सेकेंड मेरे पास अभी वापस ही यहाँ पे सेकेंड लेसन है भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची वाटचाल, मीन्स जो इंडिया है उसका अदर कंट्रीज के बारे में जो भी मतलब विचार रहेगा, जो भी मतलब रूल्स रहेगा, रेगुलेशंस रहेगा, तो उसका जो भी है उसका डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है वो सब इसमें आएगा। 65 फर्स्ट, मतलब 65 का वन जो कॉलम है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। 66 का फर्स्ट है, 66 का सेकेंड है, आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है एक बार, ओके ये दिस आर थिंग्स एंड क्वेश्चंस यू हैव टू मैच दिस क्वेश्चन। 67 का मेरे पास फर्स्ट सेकेंड देन सेकेंड सेकेंड, सो दिस आर द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आर रिमूव्ड, मतलब ये पेज अगर आप सही तरीके से देखते हो तो इसमें से बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है आपका उसको निकाल दिया गया है, ओके मोस्टली ऑलमोस्ट कंटेंट इज रेड्यूस जो पेजेस दिए आपको। 70 का फर्स्ट सेकेंड कॉलम है, देन सेकेंड कॉलम है, देन नेक्स्ट लेसन मेरे पास है यहाँ पे,
72 भारताची सुरक्षा व्यवस्था मीन्स डिफेन्स ओके डिफेन्स मिनिस्ट्री आएगा यहाँ पे एंड डिफेंस मीन्स फोर्सेस ऑफ इंडिया ए कुछ भी रहेगा आपका 72 का सेकेंड एंड सेकेंड ओके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए उनके ऊपर थोड़ा गौर करो देख लो बराबर और आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कौन सा पार्ट रिमूव किया है। 73 का बाद में यहाँ पे देखो 73 का आपका जो है 73 पेज नंबर का फर्स्ट कॉलम सेकेंड 75 का सेकेंड देन दिस इज 77 एक्चुअली लेसन नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट के बारे में जो भी दिया रहेगा तो उसके साथ जो भी क्वेश्चन है 80 का फर्स्ट मतलब पूरा के पूरा सिलेबस नहीं निकाला है आपका जो जो उनको लगता था आपके लिए टफ जाएगा आपको नहीं देना चाहिए तो वो निकाल दिया आपको और जो भी बचा हुआ है यहाँ पे वो आपको दे दिया है। सो भारत वो अन्य देश ओके यहाँ पे इंडिया एंड अदर कंट्रीज 88 फर्स्ट सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम ये निकाल दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समस्या इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो भी रहेंगे उसको अंतर्राष्ट्रीय समस्या बोलते अपन। सो 93-94 का फर्स्ट कॉलम ये निकाल दिया क्वेश्चंस को आपको चेक करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये हुआ रहेगा। सो ये 9th का हो गया हम लोग 9th का ही डिस्कस करें 10th का मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। सो 10th के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द कंटेंट विच इज़ मीन्स रिमूव और दिस इज़ रेड्यूस ओके इन दिस ईयर ओके। अभी रिड्यूस पोर्शन फॉर्मेट फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 स्टैंडर्ड्स 9th ओके मलयालम कंपोजिट जरूरत नहीं मैं नहीं बताने वाला जो अदर लैंग्वेजेस है विच आर नॉट रिलेटेड टू अस वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। और ये था मलयालम नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद में मैथ्स की तरफ बढ़ते मैथ्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि इसके कौन से टॉपिक आपके ये फर्स्ट है मेरा पार्ट वन इसको बोलेंगे हम लोग अलजेब्रा इसके बारे में आपको सही बता सकता हूँ ताकि ये मेरा सब्जेक्ट है मीन्स संच जो रहता है सेट्स में से इक्वल सेट्स निकाल दिया पेज नंबर 6-7 ये निकाल दिया। तो उदाहरण मतलब एग्जांपल 3-4 देन लाइन 18-20 निकाल दिया देन प्रैक्टिस सेट 1.2 में से फोर्थ एग्जांपल एंड सब एग्जांपल्स उसमें से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ये निकाल दिए गए। देन सबसेट निकाला आपका 8 पेज नंबर 9 पेज नंबर 11 पेज नंबर एंड आपको यहाँ पे जो एग्जांपल्स के नाम दिए यहाँ पे ओल्ड मतलब लाइन बोलते हैं उसको ओल्डचा अर्थ सगळ्यांना माहिती आहे ये सगळ्या गोष्टी तुम्हाला एकदा व्यवस्थित चेक करायचे सराव संच 1.3 मीन्स प्रैक्टिस एट 1.3 जो जो यहाँ पे दिया है पेज नंबर और जो एक्टिविटीज़ और क्वेश्चंस दिए उनको कंपेयर करते चलो आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि कौन सा पार्ट आपका कम कर दिया गया है। विभिन्न संच ओके डिफरेंट सेट्स देन ये मतलब ये सेट लेसन से रिलेटेड है सब ये पेज नंबर आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ हाईलाइट करें। संसावरी आधारित मीन्स द वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दी सेट्स वो निकाल दिए आपके। तो ये 1-2 जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए ना मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ मैं पूरा के पूरा बताऊँगा तो बहुत टाइम होगा। प्रॉब्लम सेट 1 में से ये 17-18 आगे बढ़ते हैं हम लोग 18-18 ओके जो भी प्रॉब्लम सेट 1 में से निकाले उनके यहाँ पे आपको डिटेल्स दे दिए तो आपको ये डिटेल्स एक बार अच्छी तरह से चेक करनी है। देन रियल नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग रियल नंबर्स का पेज नंबर मेरे पास यहाँ पे जो पेज नंबर है मेरे पास रियल नंबर्स का उसको एक बार देख लेते हैं 21, 21, 23 एंड देन 34 ओके यहाँ तक है मीन्स प्रैक्टिस है 2.1 एग्जांपल्स फर्स्ट में से फोर्थ फिफ्थ निकाल दिया 2.1 में से सेकेंड क्वेश्चन में से फोर्थ फिफ्थ 2.1 में से थर्ड क्वेश्चन में से मतलब ये जो टफ रहेंगे ना थोड़े निकाल दिए मतलब जो हेवी क्वेश्चंस थे वो निकाले। देन संख्या ओके परिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स एंड अपरिमेय इरैशनल नंबर्स ओके। सो ये 23 का फर्स्ट जो था एक्टिविटी एंड 34 का जो एक्टिविटी है फर्स्ट सेकेंड वो पूरा निकाल दिया तो ये आपको एक बार अच्छी तरह से देख लें। चलो बाद में आगे बढ़ते ओके। सो नेक्स्ट है मेरा प्रॉब्लम सेट सेकेंड में से जो निकाला है उसके बारे में मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ।
तो 35 पेज नंबर है और ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से आपका फोर्थ फिफ्थ हर जगह पे फोर्थ फिफ्थ मोस्टली निकाला है, मतलब जो टफ रहेगा थोड़ा वो निकाल दिया। बाद में नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ते, उसको मराठी में बहुपदी बोलता तेरा मराठी, भागाकाराची रेशीय पद्धत। ओके, दिस इज डिविजन मेथड है। ओके, सो लीनियर डिविजन मेथड आप बोल सकते हैं। 42, 43 और 44 पेज नंबर, 45 पेज नंबर, 46 पेज नंबर, 46। तो ये पेज नंबर एक बार देख लो और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए इनको एक बार अच्छी तरह से आपके बुक को लेके कंपेयर करो, आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट जो है रिड्यूस कर दिया है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड भी इसमें से रिमूव कर दिए है, जो कि मेरे पास था 52, 53 पे। ओके, और उसके बाद में 55 के ऊपर के ये प्रॉब्लम्स आपके रिड्यूस कर दे। ओके, तो ये आपका जो था पॉलिनोमियल्स में से था, यहाँ पे 3.6 तक पॉलिनोमियल्स है और उसका जो है मतलब प्रॉब्लम सेट 3, उसमें से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 मतलब ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस निकाल दिए गए। चलो आगे बढ़ते, रेशियो एंड प्रपोर्शन की तरफ, गुणोत्तर और प्रमाण दला मराठीत बोलता। सो इसमें से कौन कौन सा पार्ट निकाला है हम लोग देखेंगे। 61, 61, 61 एक ही पेज के ऊपर का ये इतना पार्ट निकाल दिया है। ओके, तो ये क्वेश्चंस देख लो एक बार कौन कौन से क्वेश्चंस, इसको आप पेंसिल से हाईलाइट करके रखो। 64 में से भी आपका 4.2 में से ये क्वेश्चंस निकालें, बाद में ए और ये क्वेश्चंस आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है। ओके, सो यू हैव टू चेक ऑल दिस। देन समान गुणवत्ताचा सिद्धांत, मीन्स इक्वल रेशो थेरम। ओके, रेशो इक्वल रेशो थेरम, मतलब जो भी है उसमें से जो क्वेश्चंस निकालें ये पेज नंबर आपको देखने हैं और ये आपका प्रॉब्लम सेट 4 है और ये क्वेश्चंस आपको एक बार देखने हैं और इनको आपके बुक के साथ कंपेयर करके आपको स्टार मार्क करके रखना है। दिस पार्ट इज रेड्यूस, ये सब आपको नहीं करने की जरूरत, जो बचेगा पार्ट वो आपको स्टडी करना है। ओके, देन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसमें से जो जो रिड्यूस किया उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो जो भी पेज नंबर मैंने द वर्ड प्रॉब्लम्स ये सब आपको देख लेना एक बार, पेज नंबर्स आपके मैंने यहाँ पे, देन ये पूरा के पूरा पेज निकाल दिया, संपूर्ण पृष्ठ पूरा के पूरा 5.2 से 7, 8, 9, 10 ये निकाल दिया। बाद में ये आपका प्रॉब्लम सेट में से 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये निकाल दिए। तो ये आपको क्वेश्चंस एक बार आपके बुक में स्टार मार्क करके रखने। सो बाद में फिनांसियल, ओके, प्लानिंग अर्थ नियोजन बोलते थे अपन मराठी, त्याचे मतलब काय काय काढ लेते बघूया अपन, क्या क्या निकाला इसमें, मीन्स इन्वेस्टमेंट, देन द युअर GST, ये पूरा मतलब ये 7, 6 का है। तो ये पेज नंबर 98, 98, 103, 103, 106, 107 और ये क्वेश्चंस आपको एक बार मैं यह हाईलाइट करता हूँ, इनको कंपेयर करना है आपको और आपको पता करना है एग्जैक्टली कौन कौन सा पार्ट रिमूव किया है। ओके, इसमें से और कुछ कुछ दिया है, पेजेस नंबर पेजेस मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, पेजेस दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस यहाँ पर सब दे दिए और ये आपके मतलब जो भी टॉपिक्स है। सो परसेंटेज ग्राफ जिसको बोलते हैं सांख्यिकी में आता है, जो स्टैटिस्टिक में 7th लेसन, और ये परसेंटेज ग्राफ, देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो भी रहेगा आपका वो, इसमें से ये क्वेश्चंस जो आपके हैं इनको निकाल दिया गया है। तो ये था मेरा, बाद में इसमें से प्रॉब्लम सेट 7, इसमें से पेजेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये पेजेस है यहाँ पे और एक क्वेश्चंस है, इनको ढूंढ लो आपके बुक के अंदर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इनको आप स्टार मार्क करके रख दो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट जो आपका रिड्यूस कर दिया है एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए। तो ये था मेरा अभी का मतलब फर्स्ट लेसन, मतलब फर्स्ट पार्ट है। चलो ज्योमेट्री की तरफ बढ़ते हम लोग, इसको हम लोग पार्ट टू बोलते हैं और इसमें से क्या क्या निकाला है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलो फर्स्ट तो मेरा यहाँ पे नाम है, बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, दीज आर दी पेज नंबर्स एंड दीज आर दी प्रैक्टिस सेट्स एंड दीज आर दी एग्जांपल्स। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में से कौन कौन से निकाले,
सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है, आपको ये अभी खुद करना है। कौन कौन सा पॉइंट देख लो एक बार सही तरीके से, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, देख लो और आप पूरा के पूरा इसको खाली मार्क करके रखो, ये पार्ट आपको नहीं करना है। सो नेक्स्ट है मेरे पास पैरेलल लाइंस, देन नेक्स्ट मतलब ट्रायंगल्स, देख लो पेज नंबर्स एक बार जो भी है यहाँ पे, एंड दिस आर द प्रैक्टिस सेट्स एंड द प्रॉब्लम नंबर्स, यू हैव टू नोट डाउन दिस प्रॉब्लम नंबर्स। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स नोट करो कि ये आपको नहीं करने है बोल के आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाओगे। बाद में जो भी पेजेस अभी देख लो, ये पेजेस जो है पेज नंबर्स, इनको आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। 33 मतलब ये नेक्स्ट मेरा जो है, नेक्स्ट जो मेरा है जो ज्योमेट्रिकल मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल का है। सो ये जो पेजेस है आपके, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो सारे पेजेस आप एक बार देख लो एंड दीज आर द क्वेश्चन नंबर्स एक बार देख लो, तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या आपके बुक में से रिड्यूस कर दिया है। बाद में क्वाड्रिलेटरल्स का देख लो आप, क्वाड्रिलेटरल्स में से पेज नंबर मेरा स्टार्ट होता है यहाँ पे 59 से, तो ये जो भी मेरा है पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का है। ये जो क्वेश्चंस नंबर दिए आपको यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चंस नंबर दिए सब देख लो एक बार। कृति का मतलब, कृति मीन्स ऍक्टिव्हिटी, ये कृतीचा अर्थ ऍक्टिव्हिटी होते सगळ्यांना माहिती आहे, जास्त तुम्हाला गोंधळण्याची गरज नाही। देन वर्तुळ निर्देशक भूमिती मीन्स सर्कल अँड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से पेजेस मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। 79 से 95 तक जो भी पेजेस है इसमें जो इंक्लूड है वो देख लो, और ये सब क्वेश्चंस है उसके, तो आपको ये सब चेक करना है, ये सब आपको नोट करना है, आपको ये स्टडी नहीं करना है। तो ये था मेरा ज्योमेट्री का पार्ट 99 स्टैंड का जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और अभी लास्ट टू लेसन्स जो मेरे पास बचे उनके, एक है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री एंड देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ओके, और ये उनके पेज नंबर्स है एंड दिस आर दी एग्जांपल्स, ओके, दिस पार्ट इज रेड्यूस, ये पार्ट निकाल दिया है। तो आपको अभी ये पार्ट का स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है, आपको जो पार्ट बचा है बुक के अंदर वो सब स्टडी करना है, ओके। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का जो मेरा पार्ट था मैंने आपके साथ डिस्कस किया, टेंथ का मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, टेंथ के स्टूडेंट के लिए अलग से वीडियो बनेगा और उनके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो ये पार्ट जो आपने देखा ये था 9th का ज्योमेट्री का, 10th का हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जो बचा है आई थिंक साइंस इज नॉट, मतलब साइंस का जो था पाली, पाली लैंग्वेज जो रहती है वो नहीं है हम लोग को लेनी है, संयुक्त। उसके बाद संस्कृत या तनवी, संस्कृत के बारे में थोड़ा बात करेंगे, संस्कृत का भी एक बार देख लो आप। फर्स्ट है संस्कृत आमोदा नवी अव्ययमाला पद्य में श्लोक क्रमांक 7 स्थान भ्रष्टा परित्यजेते, श्लोक क्रमांक 8 दैवमेवती प्राप्तुमर्हति, ओके, श्लोक और आदि स्वाध्याय ये पूरा निकाल दिया, ये पेज नंबर आपका है 12। विद्यार्थमाला, ओके, पद्य में श्लोक क्रमांक 6 ये पेज नंबर है, इसको बराबर देखते चलो, ये आपका संस्कृत का है। जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए एज इट इज, जैसे आपके ये PDF में दिया वैसे मैं बताते जा रहा हूँ। देन श्लोक क्रमांक 7 बकवत विनिष्पतेत, ओके, ये निकाल दिया है, पेज नंबर है आपका 33-34 मतलब 33-34 पान क्रमांक। अभी देखिए आगे क्या क्या निकाला है, संस्कृत का हमें पता करना जरूरी है, संस्कृत बहुत जगह रहता है। कि मिथ्या की वास्तव, ये नाम जो दिए 5th, 7th, 9th। योगमाला पद्य में सुक्ति सुधा मतलब संवाद, एक संवाद है दो पद्य मतलब कविता बोला जाता है, और उसमें से श्लोक कौन कौन से, पेज नंबर यहाँ पे दिए आपको देखना है, ओके। मनस्सा स्वच्छता गद्य में निकाला 11th एंड 13th। सरमया सीलम, ओके, पूरा के पूरा निकाल दिया, दिस इज़ टोटली रिमूव्ड, इसको नहीं करने की ज़रूरत है, 11। देन 14 का आपका काव्यशास्त्र विनोदा, काव्यशास्त्र विनोदा पद्य में निकाला है, श्लोक क्रमांक दिया है, श्लोक क्रमांक दिया है और पेज नंबर दिया, इसको एक बार अच्छी तरह से आप मैच करो तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या क्या निकाला है। संस्कृत आनंद नवी, ये अलग मतलब ये मैंने बताया आपको कि आपकी जो स्ट्रीम रहेगी मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम जो भी, इसमें भी वद्यर्थम वाला पद्यम निकाला है, इसका वीरवणिता विश्वला गद्यम सुक्ति सुधा पद्यम, जो जो निकाला है आप देख लो, और यहाँ पे पेज नंबर है आपके और यहाँ पे उसका
श्लोक क्रमांक जे जे आहेत ते दिलेले आहेत ते एकदा व्यवस्थित बघून घ्या. तो ये बाकी बचा हुआ मनसा स्वच्छता काव्यशास्त्र विनोदा ये पूरा के पूरा निकाल दिया है. तो इसके पेज नंबर से पूर्ण पूरा निकाला है, दिस इज टोटली रिमूव्ड. और ये काव्यशास्त्र विनोदा उसमें से कुछ श्लोक है फिफ्थ नंबर वो निकाला है, तो वो आपको एक बार देखना है. तो ये था आपका संस्कृत जिसके बारे में मैंने आपको बताया नाइन्थ स्टैंडर्ड का. अभी मेरे पास जो लास्ट टॉपिक जो बचा है नाइन्थ स्टैंडर्ड का, बाकी लैंग्वेजेस का मैं नहीं डिस्कस करूँगा आपके साथ. और रेस्ट लैंग्वेजेस के लिए आपको आपको पूरे के पूरे मतलब पीडीएफ को डाउनलोड करके देखना है. उसके लिए आपको वेबसाइट मैं नीचे दे दूँगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको वेबसाइट मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस वेबसाइट से आप जाके डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये उर्दू मलयालम गुजराती ये सब लैंग्वेज के लिए अलग अलग है, तो उनका मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ. वो लोग को आपका ही वीडियो देख के सब समझ जाना है क्या क्या आने वाला है क्या क्या नहीं आने वाला. सो ये उर्दू का है, उर्दू नहीं चाहिए मुझे. मुझे अभी लास्ट जो मेरा पार्ट है मेन पार्ट उसकी तरफ जाना है. आई थिंक इट इज़ साइंस. साइंस अभी मुझे देखना है कौन कौन सा पार्ट साइंस में है. ओके तो साइंस आई थिंक ये बांग्ला पाठ संकलन ये नहीं चाहिए मुझे. बांग्ला पाठ संकलन साइंस को ढूंढ रहा हूँ मैं. बांग्ला पाठ साइक पार्ट ये अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग पार्ट हैं जो आपको नहीं है यहाँ पे, तो उनको नहीं करना. ओके ओके आ गया आपका. ये था आपका ये साइंस है. ओके तो चलो नाइन का साइंस डिस्कस करते हैं. दिस इज लास्ट टॉपिक जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. तो फर्स्ट है लॉज ऑफ मोशन गतिचे नियम. ओके पेज नंबर 111 मतलब फर्स्ट क्रमांक कॉलम 111. ओके चौकट सांगा पाऊ मतलब भी जो भी आपके इमेजिन करके लिखने हैं ना सेल्फ स्टडी के क्वेश्चंस वो यहाँ पे पूरे निकाल दिए. तो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ. ये पेज नंबर 1, 2, 3 ये देख लो ये आपका कॉलम है. चौकट अपन त्याला बोलतो त्यालाच कॉलम बोलतात. ओके तर या गोष्टी ज्या काढल्यात त्या तुम्हाला एकदा व्यवस्थित लक्षात घ्यायचे आहेत. हे पेज नंबर आणि हे उदाहरणं सोडवलेली उदाहरणं पेज नंबर आणि कॉलम खूप महत्त्वाचे आहेत. एकदा पुस्तक काढून तुम्हाला बघायचे हे सगळं आणि तुमच्या इंग्रजीच्या सायन्सच्या पुस्तकाशी आपल्याला कम्पेअर करायचे. सेकंड आहे वर्क अँड एनर्जी कार्य आणि ऊर्जा. हे पेज नंबर आहे आपके, एक कॉलम नंबर आहे. एक बार देख लो मॅच करो. सेल्फ स्टडी मतलब जो भी क्वेश्चन्स ते आपको सोचने वाले सारे के सारे ऑलमोस्ट निकाल दिए गए ताकि आप खुद कुछ ना सोचो जो बचाए हो. विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर दी पेज नंबर्स एंड दीज आर दी कॉलम्स एंड जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे मतलब माहित आएगा तुम्हाला परिचय शास्त्रज्ञांचा. सो इंट्रोडक्शनरी पार्ट जो भी था वो निकाल दिया. पेज नंबर को हाईलाइट करो देखते चलो एक बार. 34, 34, 35 ये सारे के सारे आपको मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट जितना भी मैं अभी देख रहा हूँ जो मतलब साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट पार्ट निकाल दिया गया है इसमें से. तो चलो ये सब पेज नंबर आपको नोट करने बहुत बड़े बड़े लेसन हैं आपके क्योंकि 37, 38, 40, 41, 43. और अगर आपको इसके वीडियोज़ भी चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको साइंस के सारे सब्जेक्ट मतलब सारे लेसन के वीडियोज़ मिल जाएंगे. ये कॉलम नंबर आपको याद रखने हैं एंड दीज आर दी क्वेश्चंस मतलब आपको जैसे पूछा जाता था. ओके व्हाट आर दी व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको अभी नहीं करने ये सब दिया है यहाँ पे. देन द मेजरमेंट ऑफ मैटर दिया आपको द्रव्याचे मोजमाप त्याला बोलतो मराठीमध्ये. त्याची पेज नंबर ओके पृष्ठ क्रमांक आप दिलेत आणि तुम्हाला ते आपको क्या करना है वो सब आपके जो साइंस के बुक के अंदर ये सारे पेजेस और ये सारे कॉलम्स को मैच करके वापस स्टार मार्क करके रखना है कि ये आपको नहीं करना है बोल के. ओके सो ये देखो पेज नंबर्स बहुत ज़्यादा कंटेंट है एक्चुअली साइंस का देख लो. मतलब सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिमूव्ड मतलब जो आपको चर्चा करा विचार करा सांगा मतलब बताओ लिसन डू दिस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आर रिमूव. ओके ये सारे पेजेस मैं आपको नीचे नीचे लेके जा रहा हूँ. एक बार अच्छी तरह से देख लो पेज नंबर एंड द कॉलम्स एंड मैच विथ योर बुक ये देखते चलो आप.
ओके अम्ला अम्लारी क्षार मीन्स एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये लेसन का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, आप चाहो तो इसको लर्न कर सकते हो। सो ये 58 पूरा के पूरा पेज निकाला, 56 ओके उसका फर्स्ट कॉलम निकाला। तो ये सब आपको स्वयं मीन सेल्फ स्टडी किए तो पूरे के पूरे ऑलमोस्ट निकाल दिए, तो ये सब आपको देख लेना है। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, देख लो आप पेज नंबर 59 जो भी पेजेस आपको दिख रहे हैं, यू जस्ट चेक दिस पेजेस। देन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इसके पेज नंबर देख लो आप, सेल्फ स्टडी के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस निकाल दिए आपके ओके। और आपको इसका स्टडी करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देख लो, आपका स्टडी है परिसंस्थेतिल ऊर्जा प्रवाह मीन्स एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, ये इसके पेजेस आपको दिए और कॉलम्स दिए, आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है कौन कौन से कॉलम्स हैं, कौन कौन से पेजेस है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो यू हैव टू चेक द पेजेस एंड द कॉलम्स। उपयुक्त उपद्रवी सूक्ष्म मीन्स इट इज़ यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, ये लेसन है आपका साइंस का, उसमें से इसको भी एक बार आप देख लो, पेज नंबर्स देन द कॉलम नंबर्स। ये आपको पूछे गए जितने भी सवाल थे, मतलब ये ऐसे कि वैसे कि ये करना है वो करना है, ऑलमोस्ट वो सारे के सारे सवाल के क्वेश्चन जो है आपको जो पूछे गए थे बुक के अंदर, उनको ऑलमोस्ट यहाँ से रिमूव कर दिया। मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए उन सारे के सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट ये मतलब ये 2020-21 में जो सिलेबस है आपको उसमें से निकाल दिया। ये पेज नंबर एक कॉलम देन द पर्यावरण व्यवस्थापन मीन्स मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बारे में आपको यहाँ पे दिया था, वो उसके आपके कॉलम्स और पेजेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। देन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओके उसके बारे में दिया था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके ये नंबर से पूरा के पूरा नहीं निकला, ये भी आपको याद रखना है नहीं तो आप गलत फहमी में रहोगे। प्रकाश जो परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें से भी ये पेज नंबर और ये कॉलम्स आपको देख लेने बराबर। और अगर सावी वर्ड मीन्स सिक्स लाइन, ये भी आपको सब हर एक चीज़ यहाँ पे आए पी ए पेज नंबर लाइन्स एवरीथिंग ओके, ये आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है। ध्वनिज अभ्यास स्टडी ऑफ साउंड, ये भी 13 लेसन है, इसके पेज नंबर आप देख सकते हो। देन द कार्बन एक महत्वाच्य मूल्य मीन्स कार्बन कंपाउंड्स मीन्स कार्बन इंपॉर्टेंट कंपाउंड ओके इंपाउंड कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ये दिया है आपका 13। इसमें पेज नंबर देखो मैंने आप पेज नंबर और आपको देखना है उसके अंदर का कंटेंट कॉलम्स, और ये आपको सेल्फ स्टडी के क्वेश्चन से वो पूरे के पूरे पदार्थ आप ले वापरते हैं मीन्स डेली यूज जो करते हैं हम लोग जिस भी सब्सटेंस का, उनके बारे में यहाँ पे आपको मतलब बोला गया है। सो आपको देख लेना एक बार, हर एक चीज़ आपको देखनी है कि क्या क्या आपको बताया गया है और क्या क्या नहीं बताया गया ओके। पदार्थ आप ले वापरातील सो दिस पार्ट ओके, जो भी पार्ट आपका निकाल दिया है आपको देख लेना एक बार। सो ये आपके पेज नंबर और ये आपके कॉलम्स आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेने हैं ओके। सो यू विल गेट आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तो आपको इसके बारे में पूरा के पूरा पता चल जाएगा एग्जैक्टली कौन सा पार्ट आपको नहीं करना है। सो सेल्फ स्टडी के सजीवन मधिल जीवन प्रक्रिया मीन्स लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स 15th लेसन है आपका, जिसमें से पेजेस मेरे पास यहाँ पे बहुत है, ये पेजेस है, दिज आर दी कॉलम्स एंड दिज आर दी टॉपिक्स, और ये टॉपिक्स है आपको मैच करने हैं आपके बुक के अंदर, और आपको ये सारे के सारे टॉपिक जो है स्टार करके रख देने हैं ताकि आपको ये टॉपिक्स नहीं करने ही आपको याद रहेगा ओके। तो ये टॉपिक्स आप देख लो एक बार। आनुवंशिकता और परिवर्तन मीन्स हेरिडिटी एंड द चेंजेस व्हाट आर द चेंजेस ओके हेरिडिटी। जैव तंत्रज्ञानाचा ओळख बायोटेक्नॉलॉजी ओके इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी। सो ये लेसन से पेज नंबर से आपके कॉलम से दीज आर द क्वेश्चंस, मैंने आपको बार बार बताया कि सेल्फ स्टडी के जितने भी क्वेश्चंस थे आपके ऑलमोस्ट रिमूव कर दिए गए हैं। देन द अवकाश निरीक्षण ओके स्पेस ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेस ओके, और ये और टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं उसके बारे में इस लेसन में दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है, पेज नंबर देन द कॉलम नंबर्स देन द क्वेश्चंस, यू हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स। तो ये था 9th का साइंस, और मैं यहाँ तक ही आपको बताऊँगा 9th का साइंस। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे जो सब्जेक्ट थे आपके वो आपके साथ डिस्कस किए,
और मुझे लगता है आपको समझ में आया रहेगा हर एक पन्ना और हर एक मतलब पेज नंबर, हर एक कॉलम, हर एक एक्टिविटी, प्रॉब्लम के नंबर्स जो भी दिए उसको आप पेंसिल लेके आपके बुक के अंदर स्टार मार्क करके रखो, ताकि आप उनके ऊपर मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें। अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए करना है तो कर लो, नॉलेज बढ़ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कुछ बच्चे रहते स्मार्ट रहते वो सब करते, तो वैसा अगर आपका कैटेगरी है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लो है और आपको लिमिटेड स्टडी करना है, तो ये जो 25% रिड्यूस किया गया है आपका सिलेबस, उसको आप क्या करो, बाजू में रखो और बाकी जो भी है उसका स्टडी करो। अगर कोई भी डाउट आता है साइंस और मैथ्स में आपके 9th के, मेरे अर्लियर जो वीडियोज़ थे थोड़े से मतलब डल है, मतलब कैमरा प्रॉब्लम मान लो, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अभी के जो वीडियोज़ हैं मैंने मतलब अच्छी तरह से मतलब बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो प्लीज़ डू कमेंट्स। और मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूँगा जहाँ पर जाके अगर आपको ये रेड्यूस सिलेबस मतलब जो कम किया है, घटाया गया है जो पोर्शन आपका एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए, उसके बारे में अगर PDF चाहिए तो मैं लिंक आपको शेयर करके देता हूँ। नहीं तो मेरे वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे मैंने एक पेज इसके लिए तैयार किया है, उसके ऊपर मैंने लिंक दे दिया, उसको खाली आपको क्लिक करना है, तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाओगे जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए, साथ में सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।